पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो गोरखपुर से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीनी विवाद के चलते गोली चली है और इस गोलीकांड में एक वकील की हत्या कर दी गई है। पड़ोस में रहने वाले चंकी पर हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल इलाके में गोली चलने से हड़कंप मच गया है और मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच चुकी है। और गोरखपुर से हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, गोरखपुर में जमीनी विवाद में गोली चली है, वकील की हत्या कर दी गई है। सुबह का ये मामला है, गगना थाना क्षेत्र के सीपुर गांव का मामला है। दो पक्षीदारी का ये मामला है, ये बताया जा रहा है दोनों आपस में पक्षीदार थे और जमीन को लेकर इन लोगों में कहा सुनी होती रहती थी। आज फिर एक बार कहा सुनी हुई है, जिसमें चंकी पांडे नामक व्यक्ति ने जो है इनका जो है वो राजेश्वर पांडे, लगभग इनकी उम्र 50 साल है, इनको चंकी ने गोली मार दी और जिससे इनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की जांच कर रही है। ये बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर कई बार इन लोगों में विवाद हुआ था और ये मामला पहले से भी चल रहा था। तो कुल मिला के ये कहा कि गोरखपुर में जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, निश्चित तौर पर सीएम सिटी है और सीएम सिटी में इस तरह की घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है। जी, तक इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है? जो आरोपी है चंकी हुआ फरार था और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके घर वालों को भी पूछताछ के लिए लाया गया है और मौके पर सीओ पहुंच चुके हैं, बड़ी फोर्स पहुंच चुकी है और पुलिस का कहना है कि चंद घंटों में ही जो है आरोपी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि परिवार का भी ये मामला है तो अगल बगल ही दोनों के घर थे, तो इसलिए जो है पुलिस को काफी समस्या नहीं हो रही है और परिवार जो आरोपी पक्ष है उसके परिवार वालों को पूछताछ के लिए ले गई है पुलिस। जी पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोरखपुर में जमीनी विवाद में गोली चली, जिसमें एक वकील की हत्या कर दी गई है और हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले चंकी पर लगाए। फिलहाल पुलिस उस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।